Hello students, welcome back to my channel. In previous video we have started chapter 10, that is light, reflection and refraction. In previous video we have studied some basic things, that is reflection of light, laws of reflection and types of mirror. And now there are some terms that I need to be defined to understand the ray diagram. So first is, the center of the reflecting surface of the spherical mirror is called pole. It is represented by P. This is a concave mirror and this is its polished surface and this is reflecting surface. So the center, this, of the reflecting surface is called pole. It is represented by P. And the center of the sphere from which the mirror is formed is called center of curvature. We know that this mirror is formed from the spherical mirror. ये एक तरह से पूरा क्या है, sphere form कर रहा है, okay? ये उस sphere का एक part cut किया हुआ है. और इस sphere का जो center है, this is known as the center of curvature. ठीक है? इसको इमेजिन कीजिए एक स्फेयर की तरह. एंड इस स्फेयर का जो सेंटर है दैट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर. ओके, सो फॉर अ कॉनकेव मिरर द सेंटर ऑफ द कर्वेचर लाइज इन फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. दिस इज द रिफ्लेक्टिंग पार्ट. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के फ्रंट में रहेगा. बट इन कॉन्वेक्स मिरर it lies behind the reflecting surface. See, this is the reflecting surface. तो जो center of curvature है इस reflecting surface के पीछे form होता है. किसमें? In convex mirror. Radius of the sphere from which the mirror is cut is known as the radius of curvature of the mirror. ये हमने इमेजिन किया है एक स्फेयर है, इसकी कुछ रेडियस होगी. ओके, तो उस रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर. नेक्स्ट इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. दिस पॉइंट इज नोन एज फोकस. और इस पॉइंट से पोल की जो डिस्टेंस है, दिस इज नोन एज फोकल लेंथ. ओके, दिस डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. सिमिलरली इन कॉन्वेक्स मिरर ऑल्सो फ्रॉम पोल टू फोकस द डिस्टेंस इज नोन एज फोकल लेंथ. जो फोकल लेंथ रहती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हमेशा हाफ रहती है. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ. फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो रहता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होता है. ये जो लेंथ है फोकस से पोल तक की, ये होती है यहाँ से यहाँ तक के इक्वल. दैट इज़ सी से एफ तक की डिस्टेंस इक्वल होती है एफ से पी तक की डिस्टेंस. कैसे? देखिए, ये एक तरह से हमने क्या सपोज किया है, एक स्फेयर है पूरा. ठीक है, सी क्या है, उस स्फेयर का सेंटर है. और सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज रेडियस. और अभी हमने देखा कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ के टू टाइम्स होती है. मतलब ये जो डिस्टेंस है इसके टू टाइम्स हो रही है. ये जो रेडियस है इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, टू एफ इक्वल टू आर. रेडियस इज टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ.
ओके, सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. सो वी कैन से दैट सी एफ इज इक्वल्स टू दिस. अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द कॉन्केव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड द कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर. हियर ए बी इज एन ऑब्जेक्ट कैप्ट एट इन्फिनिटी. उसके सामने कोई एक कॉन्केव मिरर रखा तो उससे जो पास होने वाली रेज है, लाइट रेज है, वो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. दिस इज़ आवर प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, रेज पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस से और कहाँ पर मिली, कन्वर्ज होकर फोकस पर मिली. एक पॉइंट पर वो क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई है. देयरफॉर वी कैन से दैट अ कॉन्केव मिरर इज़ अ कन्वर्जिंग मिरर. बट इन द केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, दिस इज अवर प्रिंसिपल एक्सिस. लाइट रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. व्हेनेवर द लाइट फॉल्स ऑन दिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस इट डाइवर्ज. ओके, ये क्या होती है, फैल जाती है. किसके केस में, इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. एंड इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस. इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर होता है और कॉन्केव मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस के फ्रंट में. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द रे डायग्राम ऑफ अ कॉन्केव एंड अ कॉन्वेक्स मिरर. थैंक यू.